हेलो गाइज, मैं आपका दोस्त वी के वाई और आप देख रहे हो वी के वाई गेमिंग स्टार जी। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं WCC राइवल्स के बारे में। जी हाँ गाइज, WCC राइवल्स के बारे में। सो गाइज, आज इस वीडियो में आप लोगों सारे के सारे इसके अंदर जो फीचर्स है वो आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना यार, बहुत ज़्यादा अमेजिंग वीडियो है और आप लोगों को थोड़ा भी स्किप नहीं करना चाहिए इस वीडियो को। तो चले इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए। सारे के सारे आज इस वीडियो में आप लोगों को पूरा का पूरा फीचर्स बता दूंगा यार, एक भी फीचर छोड़ने वाला नहीं हूं मैं गाइस। उससे पहले यार, अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नीचे एक लाल कलर का बटन होगा, उस पर क्लिक कर देना, साथ साथ में नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर देना। और अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। वीडियो के ऊपर जस्ट एम करते 500 लाइक्स होप करते गाइस, आप लोग जरूरी पूरा कर देगा। और वीडियो को जल्दी से शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी पता चले। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता हूँ कि मैंने टाइटल में ऐसा क्यों लिखा हो कि फाइनली WCC राइवल्स इज लॉन्च। तो गाइस आपको बता दूँ, ये जो गेम है नेक्स्ट वे मल्टीमीडिया वालों ने, या जी गाइस नेक्स्ट वे मल्टीमीडिया वालों ने ये गेम को चेन्नई में, ऐसा सुनने को आया था कि गाइस चेन्नई के अंदर इसको लॉन्च कर दिया गया है। जी गाइस, चेन्नई के अंदर लॉन्च कर दिया गया है और लगभग 220 MB का ये गेम बन के आया है, जिसके अंदर रियल मल्टीप्लेयर देखने को मिलता है। जी गाइस, रियल मल्टीप्लेयर देखने को मिलता है। तो गाइस, जब आप लोग बोलोगे यार अगर कोई चेन्नई का है तो यार, और आप लोगों को बताऊं गाइस, इससे पहले मैंने आप लोगों को एक बार कम्युनिटी में पोस्ट करके भी पूछा था कि कोई चेन्नई का है तो प्लीज मुझे बताए थे, लेकिन बंदा यार सब लोग डर रहे थे कि भाई मेरा नंबर ले लेगा VKY तो क्या कर देगा, क्या हो जाएगा। सो यार, किसी ने नंबर अपना प्रोवाइड नहीं किया था, मैं जस्ट उसे पूछ के बात करना चाहता था, लेकिन यार किसी ने कुछ हेल्प नहीं किया था, मैं क्या कर सकता था गाइस। चलिए इट्स ओके गाइस, फिर भी गाइस आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं सारे के सारे इसके फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं एक एक करके। तो सबसे पहले गाइस, आप लोग कुछ चीजें मैं आप लोगों को दिखाता ना चाहता हूं और उसके बाद में आप लोग एक्सप्लेन करता हूं एक एक चीजें इसके अंदर क्या क्या आने वाले हैं। सो गाइस, जैसे आप लोग ये देख सकते हो, यहाँ पे जब उन लोगों ने ये अपना प्रोमो को लॉन्च किया था उसी के टाइम उन लोगों ने बोला था कि जो आप लोगों का जो है इतना आप लोगों ने इंतज़ार किया है मल्टीप्लेयर्स के लिए, वो आप लोगों का इंतज़ार लगभग ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे हम लोग आप लोगों का ही डिमांड पे एक मल्टीप्लेयर क्रिकेट गेम लेके आ रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ कुछ बातें। तो आप लोगों को जैसे पता रहेगा कि WCC2 यानी कि वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप 2 जो गेम है गाइस, उसके अंदर भी आप लोग को मल्टीप्लेयर देखने को मिलता है, लेकिन कुछ अलग स्टाइल में, वो है चैलेंज एज अ फ्रेंड का, उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाता है गाइस। उसके बाद में गाइस एक और गेम उनका बात करते हैं, बिग बैश क्रिकेट जो नेक्स्ट वे मल्टीमीडिया वालों ने लॉन्च किया। तो गाइस उसके अंदर भी अगर आप लोगों ने गौर से देखा होगा तो गाइस उसके अंदर भी आप लोगों को जो है मल्टीप्लेयर देखने को मिलता है, लेकिन गाइस इस मल्टीप्लेयर के अंदर आप लोगों को जस्ट 3 से 4 या 5 लोग इसके अंदर ज्वाइन हो सकते हैं और सिर्फ बैटिंग मल्टीप्लेयर देखने को मिलता है। उसके बाद में गाइज इन लोगों ने एक और गेम को लॉन्च किया जो है WCC लाइट। जी हाँ गाइज, WCC लाइट अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो गाइज इसके अंदर भी मल्टीप्लेयर आप लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन गाइज इसके अंदर भी जो मल्टीप्लेयर है गाइज वो भी एकदम से ही जो हमारे बिग बैश क्रिकेट के ही जैसे है, जिसके अंदर आप लोग एक रूम को क्रिएट कर सकते हो, 4 से 5 लोग सिर्फ बैटिंग मल्टीप्लेयर कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो गाइज। उसके बाद में गाइज इन लोगों का एक और गेम है, नाम निकल के आता है हाँ बैटल ऑफ चिपक 2। जी हाँ गाइज, बैटल ऑफ चिपक 2 गाइज, उसके अंदर भी आप लोगों को पता रहेगा कि नहीं, उसके अंदर भी वैसे ही कुछ मल्टीप्लेयर देखने को आप लोगों को मिलता। जी हाँ गाइज, उसके अंदर भी आप लोगों को मल्टीप्लेयर जो वैसे ही कुछ देखने को मिलता है बैटल ऑफ चिपक के अंदर 2 के अंदर। और ये पहला क्रिकेट गेम था जो नेक्स्ट में मल्टीमीडिया ने जो है मल्टीप्लेयर को लॉन्च किया था। जब लॉन्च किया था तो गाइज इसी के अंदर इन लोगों ने लॉन्च किया था। गाइज आपको बताओ, यहाँ पे अगर इस कंपनी को फिर से अगर वैसे ही गेम बनाना होता तो यार ऑफकोर्स ये कंपनी कभी नहीं बनाती, और इन लोगों ने ये कभी अगर डिस्क्रिप्शन में अपने मेंशन नहीं करते कि आप लोगों ने जो गेम का डिमांड किया था वो बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए आने वाला है। और गाइज, और हमेशा हम लोग डिमांड करते आते हैं कि इसके अंदर रियल टाइम मल्टीप्लेयर हमें क्रिकेट गेम्स के अंदर चाहिए। रियल टाइम मल्टीप्लेयर का मतलब क्या है यार, कि हम लोग बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर पाए, एक बंदा अगर बैटिंग कर रहा है तो दूसरा बंदा बॉलिंग कर पाए। तो गाइज यही जो है बहुत ज्यादा डिमांडेड फीचर है। और गाइज अब एक और बात करते हैं गाइज, इसके अंदर जो है प्लेयर स्टैटिस्टिक का फीचर बहुत ज्यादा चांसेस बन जाता है कि आ जाएगा। अब आप लोग बोलोगे क्यों यार ऐसे क्यों बोल रहे हैं। सो गाइज अगर आप लोगों ने नेक्स्ट जो है इसका गेम जो लास्ट गेम था गाइज उसके अंदर
तक आप लोगों ने गौर से देखा होगा तो गाइज उसके अंदर जो प्लेयर स्टेटिस्टिक का फीचर बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ऐसे लीक न्यूज़ के भी निकल के आई थी कि ये जो है चेन्नई के अंदर लॉन्च हुआ है, जो 202 MB का यार 202 MB का गेम है, यानी कि कुछ नहीं तो कुछ फीचर जरूर इसके अंदर ऐड हुआ होगा। सो गाइज अब तो ये टाइम बताएगा जब आएगा तब कि इसके अंदर कौन कौन से मेजर फीचर्स आने वाले हैं। लेकिन गाइज अगर 202 MB का ये गेम निकल के आ रहा है यानी कि आप लोगों को इसके अंदर यार अच्छे खासे गेम्स के अंदर फीचर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर रियल टाइम मल्टीप्लेयर ऑफकोर्स आप लोगों को देखने को मिलेगा और तब मजे करने वाले हैं हम लोग सब लोग। सो गाइज जल्दी से अब वेट ही कर सकते हैं यार, अब जब आएगा तो यार जरूरी आप लोगों को बता दूंगा। इसका प्री रजिस्ट्रेशन ऑफकोर्स चालू है, आप लोग जाके रजिस्टर जरूरी कर सकते हो। तो गाइज बस आप को इतना ही बताना था इस वीडियो में। तो गाइज यार देखते हैं अब कौन कौन से फीचर आता है, और इसके अंदर ऑफ कोर्स यार आईपीएल जरूर आना चाहिए यार, आईपीएल एज आईपीएल भी खेलने को मजा आना चाहिए। तो यार देखेंगे अब कैसा होगा। और एक और बात बताता हूँ गाइज, इसके अंदर आप लोग इसके अंदर अपना खुद का कस्टम जो है गाइज कस्टम ये आप लोग टीम क्रिएट करके खेल सकते हैं, आई मीन टू से प्राइवेट टीम भी रख के खेल सकते हो, जैसे आप लोगों का बिग बैश के अंदर देखने को मिलता है, और साथ साथ में हमें WCC लाइट के अंदर भी देखने को मिलता है, और साथ साथ में अगर गाइज आप लोग अगर चाहो तो आप लोग पब्लिकली भी खेल पाओगे। तो गाइज ये भी एक फीचर इसके अंदर बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, जब आएगा तो एकदम सी धांसू होने वाला है। सो गाइज थोड़ी दिन वेट और हमें करना है, जल्दी हमें ये गेम देखने को मिल जाएगा प्ले स्टोर के ऊपर। और अगर आप लोगों को न्यूज़ ऐसी इस गेम के ऊपर चाहिए तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस होप करता हूं वीडियो पसंद है, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को कमेंट कर देना। दिस इज वीके वाई साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस एंड टेक केयर।